हेलो दोस्तों, साकार फिल्म्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। आज की कहानी हमें जॉन ने भेजी है, तो आगे की कहानी हम जॉन के एंगल से सुनेंगे। मेरा नाम जॉन है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जो कि मेरे साथ हुई है। शहर के बाहर एक कब्रिस्तान है जिसका मैं अंडरटेकर हूँ। एक रात मैं कब्रिस्तान में पहरेदारी कर रहा था। मैंने देखा कि एक आदमी एक कब्र के पास खड़ा है और उसी कब्र को देखे जा रहा है। मैं उस आदमी के पास चला गया और उससे पूछा, क्या ये आपके कोई रिश्तेदार थे? उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा, नहीं। मैंने फिर पूछा, तो फिर आपके कोई दोस्त? उस आदमी ने धीरे से कहा, ये मेरी ही कब्र है। मैंने हैरानी से उस आदमी की तरफ देखा। अब मुझको उस आदमी से डर लगने लगा था। उस आदमी ने मुझसे कहा, डरो मत, मेरा नाम डेविड है, अभी कल ही तो मेरी मौत हुई है। मैंने डरते हुए कहा, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। डेविड ने कहा, डरो मत जॉन, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने हिम्मत करके पूछा, आपकी मौत कैसे हुई थी? डेविड ने कहा, हार्ट अटैक से। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। डेविड ने फिर कहा, मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता हूँ। मेरे पापा एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। एक एक्सीडेंट में मेरे पापा और मम्मी दोनों की मृत्यु हो गई। उसके बाद कंपनी को मैंने संभाला। मेरी मुलाकात मैरी नाम की लड़की से हुई। हम दोनों को प्यार हो गया और 2 साल पहले हमने शादी कर ली। पिछले कुछ समय से मेरी तबीयत खराब चल रही थी। मेरा एक दोस्त है सैम, जो कि डॉक्टर है। मैंने उसे दिखाया। उसने मेरे कई टेस्ट किए। फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मुझे एक असाध्य बीमारी है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊँगा। मैंने इस बारे में अपनी बीवी को कुछ नहीं बताया। मैं ऑफिस भी नहीं जा पाता था। मैरी ऑफिस भी देखती थी और घर पर मेरा ध्यान भी बहुत अच्छे से रखती थी। मैंने सोचा कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी विवाद न हो, इसलिए मैंने एक वसीयत बनवाई जिसमें मेरी सारी प्रॉपर्टी मैरी के नाम थी। वसीयत पर साइन करने से पहले ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। जैसे तैसे मैंने वसीयत पर साइन कर दिया और सो गया। जब मेरी नींद खुली तो मैं यहां पर था। मुझे लगा कि मैं जवान मौत मरा था, इसलिए मेरी रूह भटक रही है। मैं यह सब सोच ही रहा था कि मुझे अपनी एक गलती याद आ गई। दरअसल वसीयत पर जल्दीबाजी में मैंने अपने रेगुलर साइन कर दिए थे, जबकि बैंक और प्रॉपर्टी के मामलों में मैं अलग अलग साइन करता था। मुझे लगा कि अभी मुझे मरे कुछ ही घंटे हुए हैं तो वसीयत घर पर ही होगी। अब मुझे समझ में आया कि गॉड ने मुझे क्यों भटकती रूह बनाया। मैंने गॉड को थैंक यू बोला और अपने घर की तरफ चल पड़ा। मैं ये भी देखना चाहता था कि मेरे जाने के बाद बेचारी मैरी किस हाल में होगी। मैं घर पहुँचा तो मैरी मुझे कहीं नहीं दिखी। मैं मैरी को खोजता हुआ अपने बेडरूम में पहुंचा। बेडरूम में पहुंचते ही मुझे बहुत जोर का झटका लगा। मैंने देखा कि मैरी बेड पर मेरे दोस्त सैम के साथ थी। उनकी बातों से मुझे पता लगा कि इन दोनों ने मिलकर मुझे जहर देकर मारा है। मैं वहां खड़ा होकर ताली बजाने लगा। ताली की आवाज़ सुनकर मैरी और सैम मेरी तरफ देखने लगे। मुझे देखकर डर से उन दोनों की हालत ख़राब हो गई। मैंने मैरी से कहा, वसीयत पर गलत साइन हो गए थे, मैं वही सही करने आया था, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता लगा कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम दोनों हो। मैंने वसीयत निकाली और उसे आग के हवाले कर दिया। सैम वहाँ से भागने लगा। मैंने उसको पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। यह देखकर मैरी की हालत और ख़राब हो गई। जिस अलमारी में कैश पैसे थे मैंने उसे भी जला दिया।
वहीं पर मेरा जूता पड़ा था। मैंने जूते को उठाया और मैरी को तब तक मारता रहा जब तक उसका चेहरा बिगड़ नहीं गया। मैं हैरानी से डेविड का मुंह देख रहा था। डेविड ने मेरे हाथों में नोटों की एक गड्डी थमाई और कहा, मेरे घर में इतना ही बचा था, लो तुम रख लो। यह कहकर डेविड अंधेरे की ओर बढ़ गया। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। तो दोस्तों, ये थी जॉन की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।